हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय मदान। आज मैं आपसे बात करूंगी आपके पाम और आपके सक्सेस की। क्योंकि आज मैंने हैंड प्रिंट साड़ी पहनी तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे आपके हाथ की बात की जाए। सो शुड वी स्टार्ट। सबसे पहले देखिए आपके हाथ पर जो ये पार्ट होता है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हैंड, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप अपना वर्किंग हैंड देखेंगे, यानी कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी आपका प्रोमिनेंट या डोमिनेंट वर्किंग हैंड है। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप किसी और पर डिपेंडेंट हैं, तो आप अपना डेस्टिनी हैंड देखेंगे, विच इज सपोजिटली योर नॉन वर्किंग हैंड या नॉन डोमिनेंट हैंड। तो अब ये कन्फ्यूजन भी आपकी क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीनस स्टार की। स्टार आपको कभी कभी लाइन्स के इंटरसेक्शन से भी दिख सकता है, और स्टार्स कभी कभी आपको यूं भी दिख जाता है, अपने हाथ पर इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ भी, मतलब इस तरीके से स्टार बनता है, आपको इजीली दिखेगा। अगर इस पार्ट पर, वीनस के माउंट पर आपका स्टार बनता है, तो इससे मतलब कि आपका वीनस शाइन कर रहा है। वीनस शाइन का मतलब आपको लग्जरीज, कंफर्ट्स, एंजॉयमेंट, प्लेजर्स, जितने भी मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं मजे वाली चीजें, प्लेजरेबल चीजें, वो सब आपको बहुत मिलेंगी और कंफर्टेबली मिलेंगी। अगर आपके मार्स पे स्टार है, तो मार्स पे स्टार का मतलब कि इस एरिया पर, यहां पर अगर आपका स्टार बनता है, इस पॉइंट पर, ये थंब की इस जंक्शन पर, यहां पर अगर स्टार बनता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा करेज देता है, आपको हिम्मत देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है जिंदगी में किसी भी सिचुएशन को फाइट करने की। मार्स इज लाइक द एग्रेसिव वन, ही इज द वन हु गोज इन फाइट। तो आपके अंदर भी वही फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है, और आपकी बोल्डनेस के कारण, आपके करेज के कारण आपका नाम होता है। यही स्टार अगर आपका जुपिटर माउंट पे, यानी कि इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले पार्ट पर, यहां पर, तो ये आपको विजडम देता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशनल स्किल देता है, आपको सेंसिबिलिटी देता है, आपके ओपिनियन की लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपके माइंड से आपको गेन्स देता है, और साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में बढ़ाता है। यही अगर आपकी मिडिल फिंगर के नीचे वाले एरिया पे हो जाए, यहां पर अगर ये स्टार हो जाए, देखिए है तो नहीं, यहां पर अगर स्टार हो जाए मिडिल फिंगर के नीचे, देख रहे हैं, तो ये आपको बिजनेस में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज देता है। आपकी स्किल्स जो है डिसिप्लिन हो जाती है, आप जिस चीज पर फोकस करते हैं उसको आप हासिल कर लेते हैं, और ये सारी क्वालिटी आपको स्मूथली दे देता है। अगर यही आपके सन माउंट पे स्टार है, यानी कि रिंग फिंगर के नीचे वाले एरिया पर, यहां पर अगर स्टार है आपको, तो ये देखिए ये सन का एरिया है, और सन एज वी नो इज अ स्टार, तो ये समझिए आपका सन एस्टैब्लिश हो जाता है, आपका नाम सब जगह होता है, दिस मेक्स यू वर्ल्ड फेमस, आपको बहुत फेम, बहुत अप्रिसिएशन, बहुत अब्रॉड लोगों से तारीफ यहाँ का स्टार दिलाता है। अब अगर यही स्टार जो है आपका लिटिल फिंगर पर हो जाए, इस एरिया पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो ये स्टार आपको कम्युनिकेशन, क्योंकि ये फिंगर जो है मर्करी की है, ये आपको कम्युनिकेशन दे देता है, आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है कि लोग आपकी बातचीत से फट इम्प्रेस हो जाते हैं। आपकी चीज़ों में ये एक स्किल ले आता है, एक डेवलपमेंट ले आता है, जहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे वो आपको ना नहीं कर पाएंगे, आपकी परसुएसिव स्किल्स को ये बहुत एनहांस कर सकता है। देखिए आपके यहाँ पर स्टार तो नहीं बनता। अगर यहाँ पर स्टार है, दिस इज कॉल्ड नेपच्यून स्टार, इस एरिया पर देखिए, यहाँ पर अगर स्टार है हमारा, तो ये आपको साइकिक एबिलिटीज देता है, आपको चीज़ें होने से पहले आभास लग जाती है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपको एक साइकिक एबिलिटी दे देता है, एक मिस्टिकल क्वालिटी दे देता है। यही अगर आपका मून के माउंट पर, इस एरिया पर स्टार बनता है, क्योंकि ये एरिया मून का है, मून यानी कि इमेजिनेशन, वाटर, लव, इमोशंस, अगर आप एक्टिंग में हैं और यहाँ पर स्टार बनता है इस एरिया पर, तो ये आपको सुपर स्टार बना देगा, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन, आपकी माइंड एकदम सुपर हो जाएगा। अगर आप और किसी फील्ड में, सपोज एडवर्टीजमेंट में हैं, या जिस भी चीज़ में इमेजिनेशन का स्ट्रॉन्ग रोल है, उसमें ये आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी ड्रीम्स सबको इन्हेंस कर देगा। इस एरिया पे चेक कीजिए, स्टार तो नहीं है। सो इफ यू हैव अ स्टार ऑन योर हैंड, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ स्टार। अपना स्टार चेक कीजिए और हमें अपनी हाथ की पिक्चर भी भेजिए। आई विल सी यू सून। टेक केयर, हैव अ गुड डे।